वेलकम, स्वागत है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, स्वागत है एक और नए टॉपिक के साथ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मनुष्य की हृदय में आंतरिक रुधिर परिवहन को सचित्र समझाइए, इस टाइप का क्वेश्चन आता है बायोलॉजी से रिलेटेड। ये आपके फोर्थ पेपर का टॉपिक है, ठीक है। तो चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले इसके फिगर को समझते हैं, जो इसकी अनुप्रस्थ काट है, ये हृदय की अनुप्रस्थ काट की संरचना होगी। उसको कैसे समझेंगे हम कि मनुष्य का जो हृदय है वो चार चैम्बर्स में बटा होता है, ठीक है। चार चैम्बर्स, दो अलिंद और निलय होते हैं, ठीक है। एक दायां लिंद, फिर दायां निलय, फिर बायां लिंद और बायां निलय, ठीक है। इसको हम इसको इस माध्यम से समझते हैं कि ये आपका क्या है, राइट पार्ट है पूरा। यहाँ से इधर क्या है, राइट पार्ट है, और इधर से पूरा आपका लेफ्ट पार्ट है, ठीक है। ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, अलिंद बोलते हैं। इधर भी अलिंद, ये ऊपर के दोनों पार्ट क्या बोलेंगे, अलिंद बोलेंगे। ये अलिंद है, ये अलिंद, और ये आपका क्या हो गया, ये निलय है, ठीक है। वेंट्रिकल्स, एट्रिकल्स, ठीक है। और फिर ये आपका नीचे वाला क्या है, निलय है, इसको वेंट्रिकल्स बोलते हैं। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हार्ट आपका कैसे फंक्शन करता है। ये आपका क्या है, उच्च महासिरा है, ये आपकी क्या है, उच्च महासिरा है, ठीक है, वेना कावा। और ये आपकी दाई फुसफुसीय धमनी है, यानी कि पल्मोनरी, और ये आपकी पल्मोनरी वेन्स है, ठीक। और ये आपकी महाधमनी है, एरोटा जिसको बोलते हैं। और ये आपकी बाई फुसफुसीय धमनी है, ये आपकी लेफ्ट पल्मोनरी एरिट्रीज है। फिर बाई फुसफुसी, वेलकम, बीएलएड फोर्थ पेपर का बायोलॉजी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका है मनुष्य का हार्ट। मनुष्य के हृदय में आंतरिक रुधिर परिवहन को सचित्र समझिए, ये आपका क्वेश्चन रहा, ठीक है। अब सबसे पहले इस हार्ट की स्ट्रक्चर को जानने की कोशिश करते हैं कि हार्ट आपका कैसा होता है। हार्ट आपका मुट्ठी के आकार का होता है, ठीक है, और इसका वजन लगभग 300 ग्राम होता है। इसमें दो पार्ट होते हैं, एक लेफ्ट पार्ट, एक राइट पार्ट। और ये मनुष्य के किधर होता है, किस साइड होता है, मनुष्य की बॉडी के लेफ्ट साइड में होता है। अच्छा, इसमें चार चैम्बर्स होते हैं, आप देख सकते हैं चारों चैम्बर्स। एक चैम्बर ये रहा, दूसरा चैम्बर ये रहा, तीसरा चैम्बर ये रहा, चौथा चैम्बर ये रहा, ठीक है। इसको बोलते हैं, ये आपका राइट साइड वाला है, ये आपका लेफ्ट साइड वाला है। राइट साइड वाले में ऊपर वाले को बोलते हैं अलिंद, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, निले बोलते हैं, वेंट्रिकल्स। निले को क्या कहते हैं, वेंट्रिकल्स, और अलिंद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एट्रिकल्स, ठीक है। अब ये चार चैम्बर होते हैं, ये आपका राइट एट्रिकल्स है, यानी कि आपका दायां अलिंद है, ये आपका दायां निलय है, ये आपका बायां अलिंद है, ये आपका बायां निलय है। अब मनुष्य के शरीर में जो अशुद्ध रक्त होता है, अशुद्ध रक्त और शुद्ध रक्त में भी अंतर जान लेते हैं। अगर CO2 युक्त है तो उसको अशुद्ध रक्त बोलते हैं, अगर O2 युक्त है तो उसे शुद्ध रक्त बोलते हैं। अब CO2 युक्त वाला, यानी जो अशुद्ध रक्त होता है, वो आता है सिरा के माध्यम से। किससे आते हैं, सिराओं के माध्यम से, यानी कि वेंस के माध्यम से आते हैं। और सबसे पहले कहाँ पहुँचता है, इधर पहुँचता है ऐसे, ठीक है। किस में पहुँचता है, दाएं अलिंद में पहुँचता है। फिर उसके बाद इस त्रिवलनीय कपाट से होते हुए इसमें पहुँचता है, दाएं निलय में पहुँचता है। अब यहाँ पर आपका ये जो हर्ट होता है ऐसे श्रिंक होता है, ठीक है, सिकुड़ता है। कहाँ पर, यहाँ पर दाएं निलय में, और फिर सिकुड़ने के बाद ये ऊपर की ओर जाएगा। अब यहाँ से होते हुए ये ऐसे बाहर निकलता है, ठीक है। अब ये पहुंचता है कहाँ पर, फेफड़ों में, दोनों फेफड़ों में पहुंच जाता है। ये क्या, कौन लेकर जाता है, ये आपकी पल्मोनरी धमनी लेकर जाती है। वैसे तो धमनी में कैसा रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन जो ये फुसफुसीय धमनी यानी कि पल्मोनरी आर्टरीज होती है, उसमें जो होता है वो रक्त कैसा होता है, अशुद्ध होता है, ये अपवाद होता है, और ये फेफड़ों तक जाती है। अब फेफड़ों में क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन मिल जाता है। अब ऑक्सीजन मिला हुआ रक्त आता है, और फिर से इनके माध्यम से आता है, और कहाँ पहुँचता है आपका, इसमें पहुँचता है, ये आपका लेकर आती हैं। फेफड़ों में जो आपका ब्लड होता है वो आपका क्या हो जाता है, प्योर हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। उसके बाद जो आपकी पल्मोनरी वेंस होती हैं, पल्मोनरी वेंस यहाँ से ब्लड को लेकर आती हैं। अब उसके बाद ये आपका पहुँच जाता है बाएं
एलन में, बाएं एलन से फिर आपका बाएं निले में पहुंचता है। अब बाएं निले इसको पंप करता है जिससे पूरे बॉडी में जाता है। तो हार्ट का सबसे मजबूत मांसपेशियां किसकी होती हैं? आपके बाएं निले की होती है, क्योंकि बाएं निले में सबसे ज़्यादा मजबूती के साथ दम लगाना पड़ता है, क्योंकि उससे पूरे बॉडी में ब्लड जाता है। इसलिए सबसे मजबूत मांसपेशियाँ कहाँ की होती हैं? बाएं निले की होती हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया सबसे पहले ब्लड आपका कहाँ से आता है? महाशिराओं से दाएं एलन में आता है, दाएं एलन से दाएं निले में जाता है, फिर दाएं निले से ये पल्मोनरी धमनी से होते हुए फेफड़ों तक जाता है, फिर फेफड़ों में ये शुद्ध होता है, फिर शुद्ध होने के बाद ये कहाँ? पल्मोनरी सिराओं के द्वारा। हालांकि सिराओं में कैसा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन पल्मोनरी सिरा एकमात्र ऐसी सिराएं होती है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। ये फेफड़ों से होती हुई आती हैं और बाएं एलन में पहुँचती हैं, बाएं एलन से बाएं निले में आती है, बाएं निले से पूरे शरीर में ये पहुँच जाती हैं। ठीक है, महाधमनी सबसे बड़ी धमनी होती है, एरोवा, और महासिरा सबसे बड़ी एरोटा जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, महासिरा सबसे बड़ी सिरा होती है जिसको वेना कावा बोलते हैं। ठीक है, ये निम्न महासिरा शरीर के निचले भाग में आने जाने के लिए, महाधमनी यहाँ से शरीर के निचले भाग में क्या होता है? शुद्ध रक्त जाता है, और निम्न महासिरा से शरीर के निचले भाग से रक्त यहाँ पर आता है। ठीक है, अब हृदय की बाह्य संरचना, हृदय का आकार बंद मुट्ठी के आकार का होता है, इसका भार लगभग 300 ग्राम होता है। मनुष्य का जो हृदय होता है लगभग 12 से 13 सेंटीमीटर लंबा होता है। मनुष्य का हृदय चार कक्षीय होता है, मैंने बताया, शरीर से रुधिर ले जाने वाली मुख्य रुधिर वाहिनियाँ, फेफड़ों से रुधिर ले जाने को क्या कहते हैं? फेफड़ों से रुधिर ले जाने वाली को क्या बोलते हैं? फुफ्फुस सिराएं बोलते हैं, बाएं एलन बोलते हैं। दाएं निले से क्या निकलते हैं? फुफ्फुस महाधमनी निकलते हैं, बाएं निले से धमनी निकलती है। अब हृदय की आंतरिक संरचना समझते हैं, एलन व निले होते हैं, दो एलन तथा दो निले होते हैं, एक बायां एलन, एक दायां एलन, एक दायां निले, एक बायां निले। ठीक है, ये आपको पता हो गया है। महासिरा क्या होती है? दाएं एलन में दो छोटी महासिराएं अलग अलग छिद्रों के द्वारा खुलती हैं। दाहिने एलन में दो छोटी महासिराएं होती हैं, अलग अलग छिद्रों द्वारा खुलती हैं। इन्हें अग्रमहासिरा तथा पश्चिम महासिरा कहते हैं। सिरा में कैसा रक्त बहता? अशुद्ध रक्त बहता है महासिरा में। तो ऊपर के अंगों से जो रक्त आता है वो अग्रमहासिरा से आता है, और नीचे के अंगों से जो आता है, जो हृदय के नीचे अंग, वो पश्चिम महासिरा से आता है। ठीक है, फुफ्फुस धमनी जो होती है उसमें कैसा रक्त बहता है? पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है। दाएं निले से फुफ्फुस चाप निकलता है जो अशुद्ध रक्त रुधिर को फेफड़ों तक पहुंचाता है। त्रिवलनी कपाट, दाएं एलन व निले के मध्य एलन कपाट में तीन वलय होते हैं, अतः ये त्रिवलनी कपाट कहलाते हैं। रुधिर वाहिनियां धमनी तंत्र एवं सिरा तंत्र। धमनी और सिरा में अंतर पूछा जाता है, तो आप धमनी और सिरा में अंतर जाने। धमनी में कैसा रक्त बहता? शुद्ध रक्त बहता है, और सिरा में अशुद्ध रक्त बहता है। अपवाद पल्मोनरी धमनी और पल्मोनरी सिरा होती है। धमनी जो होती है वो शरीर की गहराई में होती है, त्वचा के पास नहीं होती है, और सिरा जो होते हैं शरीर के सतह पर ही होती है, जो हमें दिखाई देती है, जिसको हम नस कहते हैं, वो आपकी सिरा ही होती है। उसके बाद जिनमें से शुद्ध रुधिर होता है, क्योंकि फेफड़ों को ऑक्सीजन रुधिर का पहचानती हैं। अब आपका मनुष्य में दोहरा प्रसंस्करण का रेखीय चित्र देखो। सबसे पहले अनाक्सिक रुधिर, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता, वो रुधिर आपका कहाँ? दाएं एलन में आता है। दाएं एलन से आपका कहाँ जाता है? फिर दाएं निले में जाता है। अब दाएं निले में से कहाँ जाएगा? दाएं निले में अशुद्ध रक्त है। अब अशुद्ध रक्त हृदय से है, हृदय से अंगों की ओर कौन ले जाता है? हृदय से अंगों की ओर धमनी ले जाती है। तो ये पल्मोनरी धमनी अशुद्ध रक्त को लेकर जाएगी फेफड़ों तक। ठीक, वहाँ पर इसका क्या होगा? शुद्धिकरण होगा। क्या होगा? आक्सीकृत रुधिर। अनाक्सीकृत कहाँ पहुँच गया? फेफड़ों तक पहुँच गया। दाएं निले से कहाँ पहुँचा? अनाक्सीकृत रुधिर यहाँ पहुँच गया। ये देखिए, यहाँ के बाद दाएं निले से कहाँ पहुँच गया? अनाक्सीकृत रुधिर यानी फेफड़ों तक पहुँचा। किसके द्वारा पहुँचा था? पल्मोनरी धमनी का। फेफड़ों के बाद इसका क्या हो गया? यहाँ पर ऑक्सीजन मिल गया, शुद्धिकृत आक्सीकृत हो गया। आक्सीकृत होने के बाद ये कहाँ फिर आ गया? बाएं एलन से बाएं निले में आ गया। अब इसको कौन से लेकर आया है? ये आपका एक अंग है, अंग से हृदय में आया है। तो अंगों से हृदय की ओर कौन लाता है? यहाँ पर सिरा लाती है, तो सिरा होगा। लेकिन ये शुद्ध रक्त है, तो कौन सी सिरा होगी? ये पल्मोनरी सिरा होगी। यहाँ पर कौन सी धमनी है? पल्मोनरी धमनी ने काम किया था। अब इसके बाद बाएं निले ने इसको पंप किया, और इसके बाद ये ऑक्सीकृत रुधिर पूरे शरीर में पहुँच गया फेफड़ों के अतिरिक्त। अब वहाँ पर जब पहुँच गया, उसका फिर से भोजन का जारण करने में जो वहाँ फिर से CO2 बना, और फिर से ऑक्सीजन वहाँ पर ख़त्म हो गया, और वो अनाक्सीकृत हो गया, फिर से वो इम्प्योर हो गया, और फिर से अब वही प्रक्रिया सेम होगी। धन्यवाद।